हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र जो कि कक्षा आठ पेस हिंदी का वो वर्ष दो हज़ार तेईस के लिए जारी कर दिया गया है आप यहां पर देख पाएंगे ये क्वेश्चन पेपर आपको यहां पर हम विद सॉल्यूशन सहित पूरा देखिए टोटल आपके यहां पर बाईस क्वेश्चन हैं यहाँ पर इक्कीसवा क्वेश्चन ये है और ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन पेपर तो हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे वीडियो को पूरा देखना आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लेंगे ना तो ऑब्वियसली आप इसमें से बहुत अच्छे अंक लेकर आ जाओगे ओके okay, तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यदि आप चाहते हैं कि इसकी पी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना वीडियो में ही बताया गया है कैसे आप सभी सब्जेक्ट के जो रियल पेपर रहते हैं रियल बिल्कुल सौ परसेंट रियल क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएंगे इस वीडियो में बताया जाएगा इसलिए वीडियो को अंत तक देखना चलिए पहला प्रश्न देखते हैं सोनी से सुंदर पर पंक्ति में अलंकार है ठीक है तो यहाँ पर आपका देखिए चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे पहला है शलेश दूसरा है यमक तीसरा है रूपक और डी है उपमा ठीक <thikay>? है <t applicate> तो यहाँ पर जब आप देखोगे देखिए एक ही वर्ड की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है आप सभी जानते हैं ठीक है अनुप्रास यहाँ पर सात सात वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है आप यहाँ पर देखेंगे लेकिन ऑप्शन में अनुप्रास नहीं दिया गया है जब एक शब्द की दो से ज़्यादा अधिक होती है तो फिर वो यमक होता है लेकिन यहाँ पर यमक भी नहीं है ओके तो यहाँ पर यमक भी नहीं होगा फिर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा सिलेसिलेस का अर्थ क्या होता है चपकना है ना तो ये थोड़ा डाउटफुल है मैं इसका आपको बता दूंगा पी में वैसे तो जहाँ तक सिले होना चाहिए ओके फिर भी आप इसे अभी इसको रहने दें अभी आपका क्या क्वेश्चन पेपर मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसका जब तक आप दूसरे के का जरूर सॉल्यूशन देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का सांची का स्टूप में स्थित है तो ये विदिशा में स्थित है सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे टेंशन नहीं लेना पहला छोड़ना है अभी बस ओके तो संपूर्ण हल बताया जाएगा ऐसा नहीं कि आपको छोड़ा जाए तो वीडियो को पूरा देखना बस प्रश्न तीन देखिए भोपाल का प्रसिद्ध स्थान है तो भोपाल का प्रसिद्ध स्थान आप यहाँ पर देखेंगे क्या है यहाँ पर आप देखेंगे तो जहाज महल भेड़ाघाट महाकाल मंदिर भारत भवन तो यहाँ पर आप जब देखोगे ना तो भेड़ाघाट तो जबलपुर में है तो ये तो भोपाल का होगा नहीं तो भारत भवन आपको इस प्रश्न का उत्तर कर देना है ओके तो बच्चों तो डी आप इसका उत्तर करेंगे इसके बाद देखिए अगला प्रश्न काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्वों को कहते हैं तो यहाँ पर आप इसका उत्तर करेंगे अलंकार कहते हैं चलिए इसके बाद प्रश्न पाँच है कि पुजारी शब्द में मूल शब्द है तो पुजारी शब्द में मूल शब्द क्या है <coughs> तो वहां पर आप देखेंगे तो देखिए जब भी पुजारी शब्द में जो मूल शब्द होता है तो वह होगा सी ऑप्शन रहेगा पूजा पूजा प्लस आनी मिलकर बनता है पुजारी ओके तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे अगले प्रश्न देखिए प्रश्न छह दुआ चंद में चरण होते हैं तो ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है हम आपके लिए कक्षा विषय हिंदी का बता रहे हैं इसमें आप प्रश्न छः देखेंगे कि धोआ चरण जो धोआ छंद में चरण होते हैं तो ये चार चरण होते हैं इसके बाद देखिए माता जी को पत्र लिखते समय अभिवादन में लिखते हैं तो अभिवादन में हम क्या लिखते हैं प्रणाम लिखते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन सी करेंगे इसके बाद देखिए प्रश्न आठ बीरस का स्थायी भाव है तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बीरस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है आपका उत्साह इसके बाद हम प्रश्न नौ देखेंगे प्रश्न नौ है संचारी भावों की संख्या है तो आपको बताना है संचारी भाव की भावों की संख्या कितनी है तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो करेंगे सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर लिखेंगे और लिख देंगे तैंतीस तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ कर जाना अन्यथा आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे ओके पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो ये क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ कर जाना है इसके बाद देखिए प्रश्न दस पुत्र के प्रति माता के प्रेम को कहते हैं ऑप्शन ए है आशीर्वाद ऑप्शन बी है वात्सल्य ऑप्शन सी है विवाह ऑप्शन डी अनुव तो पुत्र के के प्रति माता प्रेम को हम वात्सल्य कहते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी लिख के वात्सल्य लिख देंगे ओके ये आपको यहाँ पर लिख देना है इसके बाद दस के बाद प्रश्न ग्यारह आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है पीडीएफ के लिए अब मैं बता देता हूं क्या करना है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं लगभग लगभग अट्ठाईस से उनतीस ग्रुप बन चुके हैं लगभग लगभग आप मान लीजिए कि हर ग्रुप में पाँच से ज़्यादा स्टूडेंट हैं अब क्या एक नया व्हाट्सएप का फीचर आया तो हमने एक ही ग्रुप बना दिया जिसमें आप सभी हज़ार दो हज़ार जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको सब में वहीं पर कंबाइन कर दूंगा ओके यदि आप चाहते हैं कि आपको वहीं पर रियल क्वेश्चन पेपर मिले तो मैं वहीं प्रोवाइड करा दूंगा तो आप जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है प्रश्न ग्यारह देखिए मेरी भावना कविता में किन किन नैतिक मूल्यों की बात की गई है तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे हम सभी जीवों और प्राणियों के प्रति मित्रता व दया की भावना ओके दूसरा देखिए सभी लोगों के प्रति समानता की भावना और तीसरा जीवन में परोपकारी बनना चाहिए ओके बच्चों तो पी के लिए मैंने बता दिया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगी इसके बाद प्रश्न बारह देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छाट कर लिखिए सोना चांदी अच्छा बुरा फर फर धूप छाँव पुनी फल फूल कहीं कहीं धीरे धीरे तो पुनरुक्त यानी कि जो पुनरुक्त शब्द हैं जो मतलब कि दोबारा जैसे फर फर है सेम जो उच्चारण होता है उन्हें पुनरुक्त बोलते हैं जैसे पुनी, -पुनी कहीं कहीं धीरे धीरे तो ये इतने में क्या हमें यहाँ पर पुनरुक्त शब्द देखने को मिले हैं प्रश्न तेरह देखिए दिए गए शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय शब्दांत अलग करके लिखिए तो यहाँ पर जैसे प्रादेशिक है तो इसमें जो जैसे आप यहाँ पर पटनी में पटन प्लस ई ये तो प्रत्यय क्या है ये है वो अलग करके लिखा है इसी तरीके से प्रादेशिक में प्रादेश प्लस एक करेंगे तो प्रादेशिक बन जाएगा इच्छित में इच्छा प्लस एक करेंगे तो इच्छित बनेगा दर्शन में अगर हम दर्शनीय में अगर हम ये हटाएंगे तो दर्शन प्लस ई करके करेंगे दूध वाला में दूध प्लस वाला लुटेरा में लू प्लस टेरा मानवता में मानव प्लस ता तो इस तरीके से बच्चों प्रश्न तेरह आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है प्रश्न तेरह जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो प्रश्न चौदह आएगा प्रश्न चौदह के आगे के उत्तर आपको बच्चों वीडियो में मिलेंगे वीडियो पी में मिलेंगे जो कि है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी या अगर आप चाहते हैं वीडियो को ही आपको देखना है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पार्ट टू का नहीं तो पी मिल जाएगी पी के लिए आप सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लेते हो तो आप अच्छे नंबर ले आओगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में इस तरीके से आपको बाईस के बाईस क्वेश्चन दिए गए हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में だね